Mitunda. A standing ovation is most deserving of the Ken Maicon that Sri Mitunda that he is. Being awarded for his never say die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages, realizing most importantly the dream of the common man rising above ordinary to reach unfathomable heights of stardom. आम आदमी के सामान्य से ऊपर उठकर स्टार्डम की ऊंचाइयों को छूने के सपने को साकार करने के लिए लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिल में खुशियां भरने के लिए आदरणीय मिथुन दास को भारत सरकार के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का सम्मान। आपको ढेरों शुभकामनाएं मिथुन दास। Thank you very much. Thank you, Honorable President. I now request Sri Mitunda Chakraborty to share his thoughts with us, sir. सबसे कठिन काम अवार्ड दो चले जाओ घर ताली मारेंगे आप बोलेंगे स्पीच भी दो माय गॉड डायलॉग देते तो कितने आसानी से पढ़ लेता हूं बोल देता हूं आप क्या कोई कागज नहीं कुछ नहीं क्या बोलूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है माय रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट माय रेस्पेक्टेड मिनिस्टर एंड ऑल द best people, respected people on dais, respected people in the audience and my colleagues. बस इतना ही कहूंगा कि इस मंच पर मैं पहले 3 बार आ चुका हूं आप लोगों की जो लेकिन सबसे पहली बार जब मिला था नेशनल अवार्ड उसके इतने किस्से हैं कुछ किस्से मैंने बताए कुछ किस्से मैंने बताए तो मैंने सोचा कि ये दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई टेल यू दैट आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड व्हाट हैपेंड टू मी वेल आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड तो नेचुरली लोगों के कहने लगे कि यो माय गॉड यू नो यू गॉट नेशनल अवार्ड तो मेरा ब्रेन थोड़ा खराब होने लगा था थोड़ा थोड़ा कुछ बड़ा कुछ कर दिया हूं एनीवेज उस समय फिर कहा गया कि बॉम्बे लैब था तो वहां एक स्क्रीनिंग रखा गया कि जिसमें मैं गया देखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो मैं भी पहुंच गया आई थॉट के आफ्टर सीइंग द फिल्म दे मे लाइक मी दे मे टेक मी आफ्टर सीइंग द फिल्म आई कांट टेक हिज नेम बिकॉज ही इज नो मोर Because he is no more, I am saying this because before that he was alive. If I would have said, he would have understood that मेरे कोई बोल रहा है। तो इसलिए आज तक बोला नहीं पहली बार बोल रहा हूँ कि स्वर्ग लोग चले गए हैं। So after finishing the film, बाहर आए, तो I was walking along with him and I asked him, sir, picture कैसी लगी? बोलते बेटा picture अच्छी लगी, तुम भी कमाल के एक्टर हो। लेकिन तुम कपड़े पहन के कैसे लगोगे मैं 1 मिनट के लिए चौंक गया कि मैं उनके सामने बगैर कपड़े के खड़ा हूं क्यों सवाल किया बाद में याद आया हो मैंने जो रोल किया था वो एक आदिवासी का था जिसमें ऊपर मेरे कपड़े ही नहीं थे तो इसीलिए सोच रहे थे कपड़े पहनने के बाद कि कैसा लगेगा तभी इसको फिल्म में लूंगा सेकेंड इंसिडेंट हुआ ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था मैं अपने आप को एल पाचिनो सोचने लगा रियली मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए है ना मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आके ऐसे बैठता था कभी कभी यूज करता था कि प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब और उसको नहीं मालूम था कि मैं अंतर चुनू की तरह एक्टिंग कर रहा हूं तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता रहा कि एक काम करना वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त मारा एक लात मुझे फिल्म निकल गया से उस दिन से मैं अल्पाचिनो से काल्पाचिनो हो गया
मैं समझ गया कि मुझसे गलती होगी, अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा, क्योंकि बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ जो था, एक्टर तो सबने मान लिया था बिकॉज ऑफ माई कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। तो मैं रास्ते में जाता था, ये कालिया जितने जितने हो सके, आप यू कैन अंडरस्टैंड, अपमान जितना हो सके। तो मैं सोचने लगा मैं करूं क्या, मैं भगवान से पूछता था कि भगवान के मेरा ये रंग कुछ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं चेंज कर सकता था भगवान। तो मैं सोचने लगा करूं क्या, तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं, तो मैं डांस कर सकता हूं, तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को नहीं देखे, मेरे कलर को ना देखे। और मानिए मैंने एग्जैक्टली वही किया, आप मेरी फिल्म देखिए, सब फिल्मों में पैरों से डांस किया, पैर को थिरकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया कहीं, और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, बहुत, क्योंकि मैं माई लाइफ इज नॉट ए ऑन प्लेटर, जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके मिला है, आई डिडंट गेट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भगवान से कहता था तूने नाम दिया शोहरत दी, फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, हर चीज में क्यों तकलीफ, बहुत शिकायत करता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया। मैंने कहा थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू गुरु श्री, थैंक यू दानी बाबा, थैंक यू भद्र लोग। कलकत्ता में निम्बला से एक पुराना सा मंदिर है जहां एक 10 फीट ऊंचा एक शिवलिंग है, जहां सीढ़ियों से चढ़ते जाके पानी लेना पड़ता है। मैं इतने साल मुझे याद नहीं, मैं उनकी सेवा किया, तो उनको मैंने कहा थैंक यू, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे सूद के साथ सब कुछ वापस कर दिया है। मुझे मालूम है अगर ये मैं नहीं कहूंगा तो यहां जितने हैं, यहां जो सारे हैं ना बैठे हुए इधर, इन लोगों ने कहा कि दादा आपको जो कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये कहना जरूरी है कि जो यंग लड़के लोग आ रहे हैं फिल्म लाइन में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत से टैलेंट है, बहुत से टैलेंटेड लड़का लड़की, लेकिन पैसे नहीं उनके पास, मेरी तरह दे दो ना मनी। लेकिन मैं उनको कहूंगा हिम्मत नहीं, पैसा नहीं दिए, हिम्मत नहीं आना, और सपना जरूर देखना, सपना जरूर देखना, लेकिन इतना याद रखना खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना। इसलिए अगर मैं बन सकता हूं तो तुम सब बन सकते हो।